सत्यम एकेडमी फॉर होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की ओर से किया गया फूड कार्निवल। यह अपने तरह का पहला ऐसा इवेंट था जिसे सत्यम एकेडमी की ओर से संचालित किया गया। इस फूड कार्निवल में चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे इंडिया मास्टर शेफ के टॉप 4 विजेता मिस्टर सूरज थापा जी। इस इवेंट के दौरान सूरज जी ने प्रत्येक स्टूडेंट को बहुत से गाइडेंस दिए एवं अपने अनुभव को भी साझा किया एवं कहा कि सत्यम एकेडमी बच्चों के भविष्य बेहतर करने के लिए जो काम कर रही है वो सराहनीय है। आज के खास बातचीत में हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सूरज थापा जी। मैं बता दूं कि इस साल के जो इंडिया मास्टर शेफ हुए उनके वे प्रतियोगी रह चुके हैं और आज कहा जाए तो पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे डुअर्स के लिए, यहाँ के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। आज मुख्य रूप से सत्यम एकेडमी के अंतर्गत यहाँ होने वाले फूड कार्निवल में यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ आए थे, तो क्या कुछ उनके अनुभव रहे आज के? सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की तरफ से आज मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है। मैं अभी जिस शो से अभी वापस आया हूँ एंड ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मुझे आने के साथ साथ इतना बड़ा एक इन्विटेशन मिला, मैं आया पहली बार एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है पूरा जो दिन है इसका मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैंने आज बहुत सारे फूड्स ट्राई किए हैं, डिफरेंट क्विजिन के फूड ट्राई किए हैं। आज जो बच्चे उनका थीम था कि फ्लेवर्स ऑफ वर्ल्ड, मैंने उन्होंने फ्लेवर्स ऑफ वर्ल्ड आज हमारे सामने रखा है, किसी ने इंडियन, किसी ने चाइनीज़, किसी ने आपका जो कॉन्टिनेंटल क्विजिन बनाया और सभी ने बहुत अच्छे परफॉर्म किए। ये देख के मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे जो डूअर्स इतने छोटे जगह से भी इतने अच्छे स्टूडेंट्स और इतने अच्छे बच्चे हैं जो कि बहुत प्रतिभाशील है। अगर बच्चे होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो कितना बेहतर है, आप क्या कहना चाहेंगे सत्यम एकेडमी के लिए? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो शुभम जी का बहुत तारीफ करना चाहूँगा एंड सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगा कि सत्यम इंस्टीट्यूट ने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि बहुत ही मिनिमल एक अमाउंट में इतना अच्छा वो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे बच्चों को जिनका हर एक का सपना है। मतलब मेरा खुद सपना था कि मैं एक दिन होटल मैनेजमेंट करूँ और होटल मैनेजमेंट करके मैं अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में काम करूँ, लेकिन मेरे टाइम पर मुझे वो मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट था या फिर उस टाइम पर नहीं हो पाया। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ही मिनिमल अमाउंट में एक बहुत अच्छा कोर्सेज कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात है एंड इसके लिए सच में उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे डुअर्स जैसे जगह पे ऐसा एक इंस्टीट्यूट खोला गया है। जी, मास्टर शेफ से आए हुए आपके चीफ गेस्ट यहाँ पे मौजूद है, तो ये कितना बड़ा बात हो सकता है आपके लिए? सबसे पहले तो भाई अजीत को और उनके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। पहला बात है कि जब हमने देखा कि हमारा बैचमेट और वो भी चालसा का एक लड़का आज जब मास्टर शेफ वो भी फाइनलिस्ट तक जगह गए तो ये एक प्राउड का बात है और हम इनसे कांटेक्ट किए कि ऐसा एक प्रोग्राम है, आप आइए। और इतना डाउन टू अर्थ ये हैं कि जैसे हम क्या बोला, एक बार में रेडी हो गए, इनको हम आज लेने भी गए थे और हमारा जो प्रोग्राम था आज द टेस्ट ऑफ वर्ल्ड बोल के एक प्रोग्राम हम लोगों ने थीम किया था या ऑर्गेनाइज़ किया था और ये जितने भी रेसिपीज था, जो इंडियन रेसिपी था वो मैंने खुद स्टूडेंट्स को सिखाया था और जो कॉन्टिनेंटल रेसिपीज था वो हमारे गौरव सर ने स्टूडेंट लोगों को सिखाया था और चाइनीज़ रेसिपी, तो आज वही रेसिपी को हमारे बच्चे प्रेजेंट किए और हम इतना प्राउड लगा कि हमने इनको सिखाया और आज ये यहाँ पे प्रेजेंट किए। 500 प्लस होटल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और ऐसा है कि बच्चों को काम ढूंढता है, बच्चे काम नहीं ढूंढते, तो आइए होटल मैनेजमेंट कीजिए, हमसे जुड़िए, सत्यम एकेडमी आपके साथ है। थैंक यू, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी सूरज सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर एंड आपको भी सर। हाँ भाई, एकदम अजीत बहुत।